वो भयावह दिन भला कौन भूल सकता है, जब करीब 14 साल पहले साल 2008 में गुजरात स्थित अहमदाबाद धमाकों से दहल उठा था। यहाँ मात्र 70 मिनट में ही 21 सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे, जिसमें 56 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से अधिक लोग घायल हुए थे। अब इस मामले में कोर्ट का फैसला आ गया है। अहमदाबाद सीरियल धमाके पर विशेष अदालत ने 49 दोषियों में से 38 को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि 11 को उम्र कैद दी है। अदालत में 13 साल से भी ज्यादा समय तक मामला चला। पिछले सप्ताह 49 लोगों को दोषी ठहराया गया था और 28 अन्य को स्पेशल कोर्ट ने बरी कर दिया था। तो चलिए जानते हैं अहमदाबाद सीरियल बम धमाके की पूरी कहानी क्या है। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में एक साथ कई सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे और 70 मिनट के अंदर 56 लोगों की मौत हो गई थी। अहमदाबाद में साल 2008 के 26 जुलाई के शाम 6:45 पर पहला बम धमाका हुआ था। ये धमाका मणिनगर में हुआ था। मणिनगर उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का विधानसभा क्षेत्र था। इसके बाद 70 मिनट तक 20 और बम धमाके हुए थे, जिससे पूरा देश सहम उठा था। आतंकवादियों ने टिफिन में बम रखकर उसे साइकिल पर रख दिया था। भीड़ भाड़ और बाजार वाली जगहों पर ये धमाके हुए थे। इन धमाकों में इंडियन मुजाहिदीन और स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया से जुड़े आतंकी शामिल थे। धमाकों से 5 मिनट पहले आतंकियों ने न्यूज एजेंसियों को एक मेल भी किया था। जानकारी के मुताबिक उस समय अहमदाबाद में बम प्लांट करने के लिए दिल्ली से इंडियन मुजाहिदीन के 12 आतंकी गए थे। 22 जुलाई को 3 आतंकी गए थे, जिसमें आतिम अमीन, मोहम्मद साजिद और मोहम्मद सैफ शामिल था। ये सभी आतंकी 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में बम प्लांट किया और 26 जुलाई शाम को ट्रेन पकड़कर वापस दिल्ली आ गए थे। इसके बाद एक एक करके सभी आतंकी पकड़े जाने शुरू हुए। अब 13 साल तक चली सुनवाई के दौरान 1163 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे। पुलिस और कानूनी एजेंसियों ने 6000 से ज्यादा सबूत पेश किए थे। 8 फरवरी को स्पेशल कोर्ट ने 49 आरोपियों को दोषी करार दिया था और अब जाकर इन्हें सजा भी सुनाई गई। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।